हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली दो क्वेश्चंस और एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक हम बाद में देखेंगे मरुस्थल के नाम और उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उसके बारे में। और यहाँ पे फिलहाल मेरे पास दो क्वेश्चंस है जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और क्या इनका सही तरीका होता है अटेम्प्ट करने का। क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा, ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा राइट आंसर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चंस कि चार्ल्स का नियम संबंध बनाता है किनके किनके बीच। दो क्वेश्चंस आपके पास हैं, दोनों का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है। देखिए इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही सिंपल सा होता है, उसके लिए आप एक छोटा सा डी को ड्रॉ कर लीजिए। डी, अब डी क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, हम इसको बीच में डिवाइड कर देते हैं। अब इसको बस इसी तरह से सॉल्व करना है, ऊपर में आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, हम साउथ लिख लेते हैं, ऊपर में नॉर्थ। अब ये देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं हिंदी में, वामावर्त दिशा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वामावर्त। और अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे में क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ रहा है ना, क्लॉकवाइज की तरफ हमारा एरो जा रहा है, क्लॉकवाइज। यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, दक्षिणावर्त दिशा। अगर क्वेश्चन कहता है दक्षिणी दिशा में, यानी सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणावर्त दिशा और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा सही आंसर हो जाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है क्वेश्चंस कि चार्ल्स का नियम संबंध बनाता है किनके किनके बीच। तो चार्ल्स का नियम संबंध बनाता है किनके बीच, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। देखिए बेसिकली आपको पता होगा कि चार्ल्स का नियम या फिर बॉयल का नियम जो होता है उसमें हम तीन चीजों को ही देखते हैं, दाब, टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, यही तीन चीज होता है। तो यहां पर भी आपको दाब दिख रहा है, वॉल्यूम यहां पर भी दिख रहा है, और टेम्परेचर यहां पे दिख रहा है। यानी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पता हो, अगर आपने याद नहीं किया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सिंपल तरीके से आप कैसे याद रख पाएंगे कि चार्ल्स का नियम का संबंध किनके किनके बीच होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि चार्ल्स नाम का कोई व्यक्ति है और उनका एक टीवी है, चार्ल्स का टीवी, बस याद रखिए चार्ल्स का टीवी है, ठीक है, चार्ल्स का टीवी। तो टी का मतलब टेम्परेचर और वी का मतलब वॉल्यूम है, जो कि चार्ल्स का नियम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच संबंध बताता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टेम्परेचर हमारा हुआ वो समानुपाती है वॉल्यूम का, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं या फिर आप इस तरह से कहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे सही आंसर हम किसे टिक करेंगे। अब आप देखिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, तो यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी पे जाएंगे, ठीक है। चार्ल्स का नियम, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो तापमान और आयतन सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको चार्ल्स का नियम याद हो गया तो अब आपको क्लियर होगा कि जब वॉयल का नियम आएगा तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ किसे टिक करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, मरुस्थल का नाम, ठीक है, मरुस्थल और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो कि हमारा पहला पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा जो कि मरुस्थल माना जाता है, और इसकी जो सीमा होती है करीब 11 देशों के साथ साझा होती है, करीब 11 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका याद रखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, सूडान, मिस्र, लीबिया, बहुत सारे देश हैं, आप इनको याद रखिए। उसके बाद है टकलामाकन, ठीक है, टकलामाकन, टकलामाकन में लिखता है, कहीं कहीं टकलामाकन में लिखता है, तो टकलामाकन सिक्यांग, यानी कि चीन के सिक्यांग प्रांत में ये स्थित है टकलामाकन, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट कहाँ पर पड़ता है, तो ये पूर्वी ईरान के अंतर्गत है, कहाँ पर, पूर्वी ईरान के अंतर्गत, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नहीं यार सॉरी, पूर्वी ईरान करेक्ट है, दस्त ए लूट पूर्वी ईरान। उसके बाद है दस्त ए मार्गो, दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान के अंतर्गत देखने को मिलेगा, दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान के अंतर्गत। कोलराडो पठार जो मरुस्थल है ये यूएसए में है, कोलराडो पठार यूएसए में। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि चिहुआ हुआन, चिहुआ हुआन ये कहाँ पर, तो ये मैक्सिको के अंतर्गत देखने को मिलेगा, मैक्सिको के अंतर्गत। गोबी मरुस्थल,
गोबी मरुस्थल एक एशिया का मरुस्थल है और ये पड़ता है चीन और मंगोलिया में, ठीक है, चीन और मंगोलिया के क्षेत्रों में देखने को मिलता है गोबी मरुस्थल, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच, ज़्यादातर क्षेत्र भारत के अंतर्गत है, लगभग 75% क्षेत्र भारत के अंतर्गत, बाकी जो रेस्ट है वो पाकिस्तान के अंतर्गत। उसके बाद है काराकुम। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा काराकुम का संबंध कहाँ पे हुआ, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसके बाद है नामीब, ठीक है, नामीब, नामीब से नामीबिया आपको पता होगा तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे क्लियर होगा, दक्षिण अफ्रीका। थार मरुस्थल मैंने बता ही दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये आपका थार पड़ता है। सोमाली यानी कि सोमालिया से याद रखिएगा, सोमालिया में पड़ता है, अफ्रीका के अंतर्गत आएगा। सेचुरा बार बार पूछा जाता है, ये पेरू के अंतर्गत, सेचुरा मरुभूमि मरुस्थल पेरू के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उसके बाद रुबल खाली मरुस्थल, रुबल खाली सऊदी अरब, रुबल खाली सऊदी अरब, ठीक है, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार फटाक से रिपीट कर लेते हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंतर्गत, टकलामाकन या फिर टकलामाकन ये सिक्यांग चीन प्रांत में, दस्तेलूट पूर्वी ईरान, ध्यान रखिएगा हो सकता है कि ईरान के ऑप्शंस में दा देकर के इस तरह से भी देखा जा सकता है, पूर्वी ईरान, दक्षिणी ईरान, पश्चिमी ईरान, तो आपको याद भी रखना है कि पूर्वी ईरान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान के अंतर्गत होगा। कोलोराडो पठार जो मरुस्थल है वो यूएसए के अंतर्गत है। इसके बाद सिहुआ हुआन मैक्सिको के अंतर्गत, गोबी हमने बता दिया चीन और मंगोलिया के बीच, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, नामीब नामीबिया के अंतर्गत यानी दक्षिण अफ्रीका, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच, सोमाली सोमालिया के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका यानी कि अफ्रीका सही होगा, सेचुरा मरुभूमि जो होता है वो पेरू के अंतर्गत, रुबल खाली सऊदी अरब। ये हो इस लाइन का क्लियर। अब इसमें जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल जनरली जैसे आपको ऑप्शंस में अगर पेरू ना मिले तो सिर्फ और सिर्फ चिली को टिक करें, लेकिन उसमें भी अगर पूछा है कि कौन सी चिली, चिली के किस भाग में, तो ये उत्तरी चिली होता है, ठीक है, उत्तरी चिली और पेरू के सीमा पर कह सकते हैं कि मतलब दोनों में साझा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे मरुस्थल है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट विक्टोरिया है और ये सबसे बड़ा भी है यहाँ का, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी जो होता है, द ग्रेट सैंडी, ये भी ऑस्ट्रेलिया। सिंपसन याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद गिब्सन याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया। स्टुअर्ट ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी विक्टोरिया हो गया, सैंडी हो गया, सिंपसन हो गया और गिब्सन और साथ ही साथ स्टुअर्ट, ये पांचों के पांचों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद है काजिलकुम। काजिलकुम जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पर मतलब दोनों के साथ सीमा साझा होती है इसकी, तो काजिलकुम जनरली आपको ज़्यादातर याद रखना है कि उज्बेकिस्तान, ठीक है, काजिलकुम उज्बेकिस्तान। उसके बाद है सोनोरन, सोनोरन, सोनोरन होता है यूएसए और मैक्सिको, यानी कि एरिजोना और कैलिफोर्निया में ये स्थित है, तो यूएसए और मैक्सिको दोनों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल, ये यूएसए में, और मोजावे की बात करें तो ये आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी कि यूएसए, ठीक है, मोजावे यूएसए। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली और पेरू हो गया, और ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिंपसन हो गया या फिर एक स्टुअर्ट, ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। काजिलकुम उज्बेकिस्तान और काजिकिस्तान। सोनोरन यूएसए और मैक्सिको यानी एरिजोना और कैलिफोर्निया के अंतर्गत। उसके बाद ग्रेट बेसिन यूएसए और मोजावे दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए के अंतर्गत। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है और ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे इसको करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।